जो एटीएम हमने लगाया है पुलवामा टाउन में, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो लगा है, ये वैली में अपनी नवियत का पहला एटीएम है, मिल्क एटीएम है। तो ये हमें जो हमारे एक एंटरप्रेन्योर थे शबीर अहमद वागे, जो पहू के रहने वाले थे, इसकी डिज़ायर थी कि मैं एक मिल्क एटीएम लगाऊं। लकीली हमारे पास बहुत सी अट्रैक्टिव स्कीम्स हैं, इनमें एक स्कीम है IDDS इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें हम जो हमारे बेनिफिशरीज हैं डेयरी फार्मर्स हैं, उनको हम 50% सब्सिडी पर मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, जिनमें एक कंपोनेंट मिल्क एटीएम है। तो इसको हमने इसकी एप्लीकेशन ली, उसको हमने रिकमेंड किया और इसका केस रिकमेंड हो गया, तो इसको हमने 50% सब्सिडी पर जो ये एटीएम इन्होंने लगाया है, ये पुलवामा टाउन में, पुलवामा टाउन के वैली में अपनी नवियत का पहला एटीएम है और पुलवामा टाउन में भी अपनी नवियत का पहला एटीएम है। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको फ़ायदा होगा कि उनको अपने जो प्रोड्यूस है मिल्क है उसका मार्केट, अच्छा मार्केट मिलेगा, और जो हमारे पब्लिक है, जो लोग हैं, जो दूध कंज्यूमर्स हैं, उनको भी फैसिलिटी मिलेगी कि वो हैसल फ्री तरीके से अपने लिए दूध हासिल कर सके। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ATM मिल्क जो खुला हुआ है, आज पहली बार कश्मीर में, मुझे लगता है पुलवामा में आज पहली बार ऐसी एक मशीन चालू हो गई है, जिसको हम देखकर बहुत खुश हुए हैं। यहाँ पर एक नंबर जैसे दूध मिल रहा है हमें, आज पहली बार हमने यहाँ से दूध लिया है और हमने यहाँ से ATM भी इनका लिया हुआ है। ATM कार्ड जैसा ये दिखा रहे हैं ऐसे कि इसको खाली दिखाना है तो दूध लेना है, बहुत अच्छी बात है। चाड़ापुरा में सबसे पहले आया है, ये बड़ी खुश किस्मती की बात है। क्वालिटी की अगर बात की, किस तरह की क्वालिटी? क्वालिटी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, एक नंबर की क्वालिटी मिल रही है, बाज़ार से भी बहुत अच्छा मिल रहा है, आज पहली बार ऐसे देख रहे हैं। मैं इस ATM का ओनर हूँ। मैंने ये IDDS स्कीम के तहत जो एनिमल हस्बेंड्री स्कीम डिपार्टमेंट पुलवामा ने मुझे एस्टेब्लिश किया है, मैंने ये पहला स्टेप उठाया आज के, ये इससे बहुत आसाइश और आराम ग्राहकों को मिलेगा। इसमें दूध फ्रेश रहेगा, लगभग 3 दिन इसमें वैलिडिटी है दूध की।